व्यूअर्स मैं हूँ डॉक्टर तानिया। Welcome to a fresh episode of today. आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा गेस्ट लेकर आई हूँ जिनके बारे में आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि वो कौन है और किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं हमारे साथ आज टेलीविजन प्रोग्राम में मौजूद हैं पीर यासर साई वो वाइस प्रेसिडेंट है सिंध पी एम एल एफ एंड चेयरमैन कराची तंजीम कमेटी एंड ऑल्सो अब हम सब लोग जानते हैं कि उनकी कितनी sacrifices रही हैं हमारे मुल्क के लिए और उनका कितना एक बड़ा खानदान है और उनकी एक नस्ल पे नसल चल रही होती है और वो कितनी बेहतरीन तरीके के साथ अपनी कार्क के साथ हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं असलामेकुम वालकुम साम थक यू सो मच पीर यासिफ साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारा चैनल और हम आज बहुत खुश हैं आपको हमारे साथ

दी हैं और जो है अपना बड़ा टाइम दिया है इस मुल्क के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए और बड़ा उनने जी एक अरसा गुजारा प, आ, उनने जो है सियासत में और देखा जाए तो उनके साथ बड़ा मतलब एक ट्रेजडी भी हुई उनके वालिद को फांसी दे दी गई और उनके जो वालिद थे पी सला शाह सूरी बादशाह के नाम से जो मशहूर थे जिनको अंग्रेज़ों ने जो है पांसी दी तो ये मतलब है कि आ, लोग तो शहीद होते हैं कुर्सियों के लिए बिल्कुल लेकिन हमने जो है हमारे खानदान ने बड़ों ने जो शहादत दी है वो मुल्क के लिए शहादत दी है या जो आज़ादी के लिए दी है शहादत तो फिर यासर साहब मैं एक्चुअली चाह रही थी कि आज क्योंकि बात हम ऐसे मौजूद पे करते हैं जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क की चल रही है उसमें आप लोगों का नाम आ रहा होता है कि आप लोग कितने भरपूर तरीके से क्योंकि आप लोगों की एक हिस्ट्री रही है पुरानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ भी रही है हमारे मुल्क के लिए आप लोगों ने बहुत किया है तो जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है जहाँ फियर ऑफ वॉर हर घर के अंदर हर बच्चे के जहन के अंदर जो हम देख रहे होते हैं वो जो फियर ऑफ वॉर का एक चल रहा है तो उसमें आप लोगों की तरफ से क्या मदद आर्मी वालों को मिल रही है लेकिन जी जैसे आपको पता होगा कि जो पीठ साहब की एक फोर्स है वो आज से नहीं पुराने जमाने से एक चलती आ रही है हुर फोर्स के नाम से yes. तो वो जो है वो हमेशा अलर्ट रहती है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ होती है एक रिजर्व फोर्स के हवाले से है वो और जो है पीर साहब ने जो है जो, जो मौजूदा पीर साहब हैं सब्ला शाह पीर साई तो जो एट पगा है एट्थ पीर पा रहे हैं ये तो इनने जो है उनको हुक्म भी दे दिया है उनको बोल भी दिया है कि जी अभी जो है बॉर्डर्स पर जो है टेंशन है हालात ख़राब हैं तो आप लोग जो है हर आ, मुकाबले के लिए तैयार रहें मुल्क की दफा के लिए तैयार रहें और जब भी आपको कॉल आती है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तो आप लोग अपनी जगहों पर पहुँचे जहाँ पर जो उनको पहुँचना पड़ता है जो उनके को जो छोर में और जगहों पर तो फिर वहाँ से फिर उनको डिप्यूट किया जाएगा जगह जगह पर तो फिलहाल उस पोजीशन पे तो नहीं आई ये कहानी लेकिन जो है अगर आती है तो पीट साहब ने सबको अलर्ट किया हुआ है जी प्रॉपरली ट्रेन होते हैं जी उनको पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक ट्रेनिंग देती है साल में दो दफा बुलाती है उनको mm -hmm. और उनको ट्रेनिंग देती है बाकी साल वो अपना काम करते रहते हैं लेकिन जब उनको जो है साल में दो दफा बुलाया जाता है दो दो तीन तीन चार चार महीने के लिए तो फिर जो है वो जो कैंट्स हैं हमारे तो उसमें जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो है वो एक्टिव रहें खुदा न खासा जो है आर्मी को जरूरत पड़े तो जो है उनको बुला सकते हैं तो पीर पगारा उनने जो है ये बनाई थी और जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ते थे और जो है मुल्क के लिए उस टाइम तो एक खत्े में जो है अंग्रेजों का एक दौर था तो उनके खिलाफ जो उन्होंने फोर्स बनाई थी और फिर ये जब से जो ये फोर्स चलती आ रही है और ये पाकिस्तान आर्मी के साथ है। जो हम, मेरे नाना जो थे शाह मरदान शाह पीर पगारा सेवंथ अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह तो उन उन आ, उनने भी बड़ी मतलब इसमें वो की खिदमत दी और उनने जो है उनके जो ये फोर्स थी उन्हें हमेशा आर्मी के साथ रखी और मौजूदा पीर साहब ने भी यही रखा है कि जी आर्मी के साथ ही वो हमारी सारी प्रोटोकॉल आप लोगों की हमेशा से साथ ही चल रही है तो अगर हम पिछले पुरानी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ आपके ग्रेट ग्रैंड जो पीर सिक्स थे वही, 1945, वो जब उनकी एसोसिनेशन हो गई थी तो वो बड़ी कम उम्र में हुई जी वो उनकी मैं बताऊँ आपको की जी वो थे पीर पगारा माशाल्लाह और उनको 31 या 32 इयर्स में उनको शहीद कर दिया गया तो वो भी आपको जैसे बताऊं कि जो वो जब पीर पगारा बने तो मतलब बड़े एक्टिव थे और बड़े मतलब यंग मतलब, मतलब थर्टीन ईयर्स तो नथिंग होती है मतलब एक बच्चा होता है एक बंदा लेकिन उन, उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनके खलीफे साथ थे और वो एक आ, आ, मतलब है कि चला रहे थे सिस्टम को पीर पगड़ा शिप चलाना इतना इजी नहीं होता इतने मुरीद और इतने लोगों को संभालना इजी काम नहीं है बिल्कुल तो उन्हें बड़ा बहुत प्रॉपरली इसको चलाया और वो अंग्रेज के खिलाफ खड़े रहे आप समझें कि जो है वो आ, दो से तीन दफा चार दफ़ा उनको अंग्रेजों ने जेल में बंद भी किया कि भाई आप जो है हाथ मिला लें हमारे साथ और हमारे साथ बैठ जाए और हमारे खिलाफ आप काम ना करें लेकिन उन्हें जो है बिल्कुल ही जी बिल्कुल ही उनसे लड़ते रहे झगड़ते रहे और जो है उनके खिलाफ जदोजहद करते रहे ये जद, थी उस टाइम पे ये मैं बताऊँ आपको कि जी आ, जो अंग्रेज था वो क्या करते थे अंग्रेज क्या करते थे कि जी हमारे जो ये सब कॉन्टेंट जो ये खत्ता था पूरा इसमें क्या करते थे कि जी हमारे जो लोग थे उनके साथ ज्यादियाँ करते थे उनकी तजलील करते थे उनको मतलब आप ये समझें कि मतलब जलील किया करते थे और उनके साथ बड़ा मतलब बुरा सलूक किया करते थे तो फिर उन्हें ये चीजें देख के उन्हें फिर जो है ये कहा कि जी मैं तो इनके खिलाफ लड़ूंगा और मुझे आजादी चाहिए हाँ। और हमें तो जो है मतलब ये इनकी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा तो उनके बाद जो है फिर उन्होंने जो है ये जदोजहद शुरू की और करते रहे फिर जो है उनके बहुत सारे शहीद भी इसमें हुए फाइनली उनको नाइनटीन फोर्टी थ्री में उनको पहले तो अरेस्ट किया फिर उन पर केसेस चलाए टेरिस्ट के केस की जी ये टेररिस्ट है अच्छा और फिर उनके बाद उनको जो है थर्टी वन है थर्टी टू ईयर्स की उम्र में अब वो तकरीबन नाइनटीन फोर्टी थ्री की बात है तो उनको फिर जो है हैदराबाद जेल में शहीद कर दिया फांसी दे दी उनको कि जी ये जो है गद्दार है और ये और लेकिन जो है वो तो मतलब है कि इस मुसलमानों के लिए लड़े थे और एक आजादी के लिए लड़े थे जंग जंगटी तो थ्री में उनको शहीद किया गया ट्वेंटी मार्च फोर्टी थ्री में नाइनटीन फोर्टी थ्री में लेकिन उसके बाद भी हुर जो है वो लड़ते रहे उनमें जज्बा था उनको एक था कि जी हमारे जो है एक आ, हमारे पीर थे हमारे मुर्शिद थे और हमारे लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया तो वो लड़ते रहे फिर 47 में जाके पाकिस्तान आज़ाद हुआ पाकिस्तान भला तो जब तक ये लड़ते रहे जदोजहद करते रहे और जो है उसके बाद बड़े हालात भी खराब हुए सिंध में उस टाइम पर ये इलाका जो था पूरा उसमें हालात भी खराब हुए आ, ह, हमारे जो हुर थे वो निकले उनने बड़ा जो है मतलब है कि उस टाइम पे मतलब इसकी मजम्मत भी की और इसके अलावा जो उनको नुकसान भी अंग्रेजों को बड़ा पहुंचा है तो फिर जाके जो है ये सारा सिलसिला चला आ, फिर आ, हमें आजादी मिली तो ये कुर्बानियां उनकी बहुत तो बड़ी यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो उसमें आपकी फैमिली का भी एक मेजर रोल है जी बिल्कुल बिल्कुल एक और एक चीज को लेकर चलना और उस टाइम पर आजादी के लिए लड़ना तो ये तो आपकी फैमिली ने भी उसकी शुरुआत नहीं करूंगा किसी पर लेकिन ऐसी भी फैमिलीज थी हमारी जो अंग्रेजों को मतलब किया करती थी और जो है उस टाइम पे भी जो है बहुत कम लोगों ने जो है पीरसफतुल्ला शाह शाहरी बादशाह का जो साथ दिया जो सिक्स पी वगैरह थे इनको शहीद किया गया तो बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया बाकी लोग सारे डर गए थे क्योंकि देखे ना कोई इतना स्ट्रांग नहीं था कोई इतना वो नहीं था जिसकी अपनी आर्मी हो जिसके अपने लोग होंगे जो है वो लड़े तो लोग घबराते थे लोग नज़दीक नहीं आते थे और जब उनको फांसी दे दी जा रही थी तो उस टाइम भी बहुत सिंध के और और भी उस टाइम के उस टाइम में जो लोग थे तो उन कोई मदद नहीं की उनकी और फिर फाइनली जो है अभी उस टाइम तो राज था अंग्रेज का तो उनको फांसी दी दे तो वो बस बेंडिंग हो फिर यूके लेकर उन, उनके बाद ये जब उनको पी साई सूरी बादशाह <coughs> को शहीद किया गया उन, उनके बाद जो इनको जो अरेस्ट कर लिया गया <coughs> मेरे नाना थे शाह मरदान शाह पी पगारा पा सेवन और उनके भाई थे साई नादर शाह तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको फिर जो है वहाँ से ले गए अलीगढ़ ले गए वहाँ पे कुछ अरसा रखा फिर वहाँ से उनको ले गए इंग्लैंड ले गए फिर वहाँ पे जो है जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे जो भी ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे फिर उनके बच्चों को जो है वो सियासी कैदी बना के जो है वहाँ रख लेते रख लेते थे एक ले जगह पे तो वहाँ पर ला उनको फिर जो है रखा कुछ साल उनको वहाँ पे रखा और उनको तालीम भी इस तरह की जो है बिल्कुल ही मतलब होता है ना बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ तालीम जो होती है उस तरह की तालीम उनको दे, दे रहे थे।, थे ट्रेनिंग देते हैं जी। दे रहे थे तो फिर फाइनली शाह मरदान शाह पीर साहब पगारा को फिर जो है ये लोग लेके आए तक आप समझें 50, 50, 51, 50, 51 लिया खान थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाँ पाकिस्तान तो वो फिर उन्होंने जद्दोजहद करके उनको वापस लेके आए पाकिस्तान और फिर जो है उनसे मतलब आजाद कराया फिर यहाँ पे आके जो है वापस इनको फिर जो है पीर पगारा बनाया गया सेवन पीर पगारा इनको फिर बनाया गया फिर ये जो है इनकी जो तरीक़ेकार होता है सेरेमनी होती है ताज पोशी इनकी हुई फिर इनने जो है फिर मेहनत की क्योंकि जो है अंग्रेज़ों ने जो है उस, उस जमाने में जो घर थे जो आ, आ, महल बने हुए थे पी साई सुरी बादशाह के वो इन्होंने लोगों जो बमांटमंड की थी तो सारे जो है वो वो कर देती है आ, सारे मरशुमार कर दिए थे तो फिर इनने आके मेहनत की आके मतलब ज़ीरो से ने स्टार्ट किया अपनी जो है हर फोर्स को जमायत को जो मुरीद मुरीदे उनको वापस स्टैब्लिश कराया उनको जो है अपनी जगहें वापस बनाई क्योंकि जब आए तो उनको जो है अपने घर के अंदर टेंट में रहना पड़ा था अच्छा। क्योंकि घर सारे सारेमेंट में जो है वो हो गए थे गिर गए थे तो टेंट में उनको रहना पड़ा उसके बाद फिर उन्होंने जो है मतलब एक स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है उन्हें एक सिस्टम को वापस वो किया फिर कुछ अरसे बाद फिर सियासत में आ गए और फिर सियासत में आने के बाद फिर जो है वो माशा एक ज़माने में तो मुस्लिम लीग पूरी जो मुस्लिम लीग है आज तो हमारी फंक्शनल है और कोई नवाज़ लीग है कोई ये लीग है कोई वो लीग है तो पहले वो एक ही लीग होती थी फंक्शन लीग सॉरी मुस्लिम लीग तो उसके जो एक कायद अजम जो है मोहम्मद अली जना ने जो बनाई थी उन वो मुस्लिम लीग जो है उनके वो हेड थे फिर माशा तो उन फिर एक ये सिलसिला चलाया सियासत में और उनकी खिदमत आपको पता है कि जो है बहुत बड़ी खिदमात हैं मुल्क के लिए और हमेशा उनने जो है वो मुल्क की बात की और हमेशा पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट की और फिर जो है उस टाइम पे जो है वो सेनेटर भी बने और जो है उन्हें हमेशा जो है वो मतलब ऐसा किरदार अदा किया अपना कि मुल्क के मफाद में हमेशा किरदार अदा किया अपने लोगों को फ़ायदे पहुँचाए पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदे पहुँचाए ऐसी जगहों पर उनने जो है लोगों को मत मतलब देखें जहाँ पर बिजली नहीं थी गैस नहीं था पानी तो वहाँ तक भी उन्हें जो है वो जो है उन्हें मतलब लोगों को फ़ायदे करवाए पहुँचाए वहाँ पर ताकि जो है लोगों को फ़ायदा पहुँच सके क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें थी इंटीरसन में और ऐसी जगहों पर कि यहाँ पे जो है कुछ अवेलेबल नहीं था रोड नहीं थे रास्ते नहीं थे तो सारे कराए तो तो उन्हें बहुत बहुत मतलब है कि कि यानी ओवरऑल देखा जाए आपकी फैमिली ने जो है लॉन्ग से लेकर सैक्रीफाइस कितनी है जी बिल्कुल और मेहनत क्योंकि यही चीज है जो हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि सैक्रीफाइस एंड मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है तो मुझे आप एक बात बताएं की शाह मरदान शाहब के बारे में कि जब आपने बताया कि वो पॉलिटिकली भी इन हुए थे तो उस टाइम पे मोहम्मद खान जी ने जो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे उनके ही मतलब रिगार्ड में जी. तो उस टाइम पर क्या काम किया गया इट वाज इन 1980स आई सपोज़ जी ये 80 uh, 485 की मेरे ख्याल में बात होगी तो उस टाइम जो है मोहम्मद खान जी ने जो जो उनको जो पी साहब ने उनका नाम दिया था उनको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो वो पी साहब के मुरीद थे और उन्होंने जो है उस टाइम बड़ा काम किया उन्होंने जो है वो जो उस टाइम पे हो सकता था जो फंड्स की अवेलेबिलिटी थी तो उन जगह जगह काम कराया और पीट साहब ने भी उनको इंडिकेट किया कि जी आपको जो है मतलब एक आवाम का काम करना है पाकिस्तान के मुफाद में काम करना है तो एक वो भी अच्छा दौर था उसमें बड़ा काम हुआ और पीट साहब ने अपने लोगों को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी जगह जगह जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको फायदा पहुँचाया तो मोहम्मद खान जी ने जो साहब जो है वो उस टाइम पर जो है खाली हमारे एक या दो एम थे तो उस पर जो हमने जो है प्राइम मिनिस्टर मतलब उनको पीट साहब ने अलेक्ट करवाया तो अच्छा अच्छा दौर था, अच्छा वक्त था वक्त तो शा, एक तो असूल पसंद थे और सख्त मिजाज भी थे, मिजाज जहां पे नरम थे नरम थे लेकिन असूल पसंद थे अपने गैर कानूनी कोई काम किसी को सपोर्ट नहीं करते थे कोई ऐसा गलत काम जिसमें जो किसी का क्रिमिनल होता है जिस तरह क्रिमिनल क्रिमिनल, क्रिमिनल लोग जो हो गए इस तरह के लोगों को उनको क्रिमिनल्स को बिल्कुल जो सपोर्ट नहीं करते थे और हमेशा जो अपनी जो जमायत को अपने मुरीदैन को लोगों को ये कहते थे कि जी आपको जो है वो अपने बच्चों को लेडीज को कमारेसन में आपको पता है कि नहीं पढ़ाते ज्यादा जी कहते हैं थे हद तक पढ़ें तो उनको कहते थे कि जी अपने बच्चों को पढ़ाएं आप लिखाएं और पड़ोसी का बड़ा वो कहते थे कि जी आपको पड़ोसी का अपना ख्याल रखें तो ये उनकी जो है हमेशा जो है जब भी वो स्पीच करते थे तो इस तरह की बातें अपने मुरीदैन में और अपने लोगों में बोलते थे और आपको जैसे पता है कि एक सियासत में तो उनका माशाल्लाह बहुत ही बड़ा किरदार था चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो तो वो आके मशवरा उनसे करते थे और उनके पास एक और चीज़ थी कि जी वो प्रडिक्शन भी बड़ी अच्छी करते थे जो प्रडिक्ट कर देते थे तो वो जो है तकरीबन हो जाता था काम तो अल्लाह पाक के लेकिन जो है मतलब एक होता था कि जब भी वो कोई बात करते थे तो वो मतलब ट्रू साबित होती थी लोग कहते लोग जो है वो इंतज़ार करते थे कि पीर साहब जो है कोई बयान दें या कोई बात करें तो जो है उसकी जो है वो बात सही निकले तो माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ा एक और फिर उन्होंने दुख भी देखे देखे बहुत ज़्यादा वालिद को जो एक शहीद कर दिया गया फिर उनको ले गए देखें कि किसी के साथ ये हो तो बड़ी मतलब ज्यादती वाली बात होती है उनको ले गए फिर जो है वहाँ पर रखा इंग्लैंड में फिर जो है उसको वापस लेके आए फिर जीरो से उन्हें सारा स्टार्ट किया और फिर जो है आप समझिए बहुत आ, बड़ा जो सिस्टम को जो है पाकिस्तान वापस अली खान जी, फिर बड़ा उस देखें जो गवर्नमेंट थी हमारी उन, उस जो लिया लिया, जो, मतलब सपोर्ट की सपोर्ट देखें नहीं करते तो नहीं होता ना लेके आए वापस उनको उनकी जो है वो वापस जो है बहाल कराया सिस्टम सारा और फिर जो उनके साथ लेके चले और पीर साहब तो देखें ना पीर साहब के हाथ से बहुत लोग जो है वो आ, मैं बोलता हूँ हमेशा की जी लोग हमें कहते हैं कि जी फंक्शन लीग हो मैंने कभी फंक्शन लीग नर्सरी है पीठ साहब के हाथ से बड़े बड़े सियासतदान बने बिल्कुल तो शाह मरदान शाह पीट सां पगारा जो थे उनके हाथ से बहुत लोग बने बहुत लोगों ने उनसे सियासत सीखी और फिर जाके वो कोई गवर्नर बना कोई प्राइम मिनिस्टर बना कोई प्रेसिडेंट बना तो इस तरह का सिलसिला रहा है इवन आपके जो है वो जुल्फिकार भुट्टो साहब थे तो वो भी जो है वो मतलब पीर साहब के बहुत अच्छे उनसे उनसे रवाबत थे जो है बड़े अच्छे दोस्त थे उनके उस जमाने में जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे मिनिस्टर भी नहीं थे तो पीर साहब ने उनको जो है प्रमोट किया जब ये बने उस टाइम पे जो है मेंबर थे उस टाइम पे पीर साहब ने उनको प्रमोट किया और उनको जो है फिर उनको वो लोग उनको लेके चले गए जी उनको उनका नाम नॉमिनेट किया कि जी उनको मिनिस्टर बनाया जाए तो पहली दफ़ा भी जो जुल्फिकार भुट्टो साहब को अगर नॉमिनेट किया और जो है पीट साहब ने उनका नाम दिया तो एक वास्ता ताल्लुका था फिर बाद में तो प्राइम मिनिस्टर बन गए फिर अख्तलाफा पैदा हो गए पीट साहब से।, तो बात बात तो तो से बहुत अच्छे दोस्त थे तो पीठ साहब ने बहुत को फायदा पहुंचाया बहुत लोगों को जो है सिखाई और बहुत लोगों को आगे लेके गए थिंक सब कम्युनिटीज एंड पार्टीज आपस में साथ मिलकर ये ग्रो कर रही जी, बिल्कुल, बिल्कुल फिर तो देखे ना हर सियासी पार्टी का अपना विजन होता है हर सियासी पार्टी अपना जो है वो रखती है की जी हर मंशूर मंशूर होते हैं हर पार्टी के अपने तो इस तरह बाकी जो है आर्मी के साथ वो हमेशा कहते थे कि जी मैं जीएच का आदमी हूँ तो लोग ये कहते थे कि जी सियासतदान फिर आप जमहूरियत की बात करें फिर जीएच क्यू के आदमी तो जीएच क्यू के आदमी का वो इस तरह कहते थे कि जी मत मैं एक एक मतलब एक पार्ट हूं आर्मी का yes. कि वो ऑनरली एक जनरल थे मतलब जो भी पीर पगरा बनेगा और वो हुर फोर्स को लीड करेगा जो पीर पगरा बनेगा वही हर फोर्स का जो है वो रूहानी पेशवा होगा तो वो तो आर्मी से उनका इंट्रोडक्शन तो होगा ही ना बिल्कुल और जो है वो ऑनरली जनरल कहलाएगा क्योंकि जो है वो उनकी एक लाख से ज्यादा होर फोर्स है बिल्कुल तो उनको वो हेड यस तो पीठ साहब कहते ना कि जी मैं जीएचयू का आदमी और कुछ लोग जो है वो बोला कि जी ये ये मुल्क जो आर्मी ने संभाला हुआ है और बनाया हुआ है तो लिहाजा जो है मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा वो तो मुल्क की बेहतरी के लिए है सब चीजें। लोग तनकीद करते थे लेकिन वो खुले हम बोलते थे जीएचल अब जी, जी, जी। तो उन सब ने क्या सीखा और आप उनकी कौन सी चीज को लेकर चल रहे है देखिये जी उनका उनकी बहुत चीजें मैं मतलब बताऊँ आपको उनकी बहुत चीजें जो है हमने देखा और उनसे सीखा एक तो वो लोगों की इज्जत बढ़ा करते थे चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए उनसे खड़ा होकर मिलते थे होते हैं ना बहुत लोग ये होते हैं कि जी हाथ ऐसे थे, नहीं वो ये फ़र्क नहीं करते कि जी गरीब है अभी बड़ा जो है वो आ, मतलब इज्जत देते थे सबको और दूसरी बात यह कि जो है रिस्पेक्ट मतलब एक उनने ऐसी रखी हुई थी सबकी और जो अपनी रिस्पेक्ट भी मतलब देखें उनकी भी माशा अल्लाह ने बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की हुई थी इतने बड़े आदमी लेकिन फिर भी जो है वो सबको रिस्पेक्ट देते थे टाइम देते थे और जो है हेल्प लोगों को करते थे तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं उनसे सीखी हैं और जो है कभी कोई बड़ी बात नहीं करते थे और कानून की जो है हमेशा जो है वो कानून की रिस्पेक्ट करते थे कि जी कानून जो है जो कानून में हो वो करें आप लोग कानून के बगैर कुछ ना करें तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत सिखाई है जो मैं आपको अभी मेंशन भी नहीं कर सकता चले अभी हम चलेंगे छोटी सी ब्रेक पर कहीं ना जाएगा और मेरे साथ रहिएगा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ब्रेक पर जाने से पहले हम पीर यासिर साहब के साथ जान रहे थे कि शाह मरदान शाह के बारे में उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने कितनी सैक्रीफाइस दी है आज अगर हम देखते हैं और पुरानी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं जहां हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ क्या हम ये सब जानते हैं कि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है कितने लोगों ने जद्दोजहद किए कितने लोग शहीद हुए एसिसनेट हुए और कितनी परेशानियों और दुशवारियों से उनको गुजरना हुआ जहाँ पर हम पीर पघारो सैबन इनके शाह मरदान साहब की सेक्रीफाइस के बारे में देखते हैं कि उन्हें मुल्क से बाहर ले गए वापस पाकिस्तान आए जहां पे लियाकत अली खान साहब की मेहरबानी के वो उनको लेकर आए उनको वापस उनकी और सरमनी दी और वो किस तरह से उन्होंने एक स्टार्ट लिया स्टार्ट लेते हुए आज के दिन तक वो अपने मुल्क के लिए किस तरह से उनकी फोर्सेस और उनके तमाम लोग खड़े हैं तो आप उनकी अच्छाइयों के बारे में पी रिया साहब बता रहे थे कि आपने उनसे क्या सीखा और आपके नाना के आप बहुत ही करीब और आई एम सपोज दी मोस्ट फेवरेट रहे हैं तो आप मुझे बात बताएं कि उनकी लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया एंड उनकी आखिरी में खराब हो गई थी मस्ट बी फॉर शेयर करते थे अल्लाह को प्यारे हुए तो एटी थ्री एटी फोर इयर्स के थे लगभग तो, उनकी जो है, जो, है जो है यही था कि जी मैं तो आता जाता रहता था और फिर जो उनसे जो तकरीबन आप कि बर्थडे uh, पे जो है उनकी कोई बर्थडे की फौरन बाद ही जो है कि ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर को उनकी बर्थडे होती थी तो उसके फौरन बाद ही वो बीमार हो गए थे तो मैं बर्थडे पे जो है मैंने उनसे पूछा मैंने कहा जी आप को क्या बोला यार तुम तो बच्चे हो तो मुझे क्या दोगे मैंने कहा मैं कुछ लाता हूँ फिर मैंने एक हॉर्स uh, था पोनी वो छोटे होते हैं ना वो जो yes. ज़्यादा बड़े नहीं होते जो एक साइज होता है मिनीचर साइज yes. इसको हाँ। बोलते हैं हॉर्स का तो वो मैंने पेरे पैर मंगवाया और मैं उनको लेके आया घर पे जब लेके आया तो मुझे बताया कि जी वो चले गए हॉस्पिटल जो है कोई उनकी तबीयत ख़राब थी पर खैर हॉस्पिटल गए फिर पता चला कि जी तबीयत सही नहीं है फिर जी वो हॉस्पिटलाइज हो गए तो बड़ा एक उन, उनके साथ मतलब एक था प्यार भी करते थे बुलाते थे और डांटते भी थे अगर कोई गलत काम हो जाए या कोई गलती हो जाए तो डांटते भी थे मतलब एक कहते थे कि जी गलत नहीं इस तरह गलत नहीं होना चाहिए उस तरह गलत नहीं होना चाहिए तो बड़ा अच्छा एक वो मतलब प्यार भी करते थे लेकिन जहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता था स्ट्रिक्ट भी होते थे तो उस दौरान में मैं समझती हूँ क्योंकि आप उनके सबसे ज्यादा करीब रहे हैं फेवरेट रहे हैं और आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों का लोड भी उन्होंने बहुत दिया है जी नहीं वो बिल्कुल जो है बुलाते थे बिठाते थे और मैं तकरीबन जो है एवरी सेकेंड डे जाता था तो आधा घंटा घंटा पंद्रह बीस मिनट जो भी जो उनका उस टाइम होता था उनसे तो बैठ के मिलता था और पूछता था मुझसे पूछते थे कि लोग क्या कह रहे हैं और उनकी आदत थी कि जो है वो घर से बहुत कम निकलते थे और जो है कभी संडे को जो है उनको शौक था घोड़ों का रेस कोर्स जाते थे वहाँ पे जाके जो है कभी वो घोड़ों की रेस होती थी तो वो उनको घोड़ों का बड़ा शौक था तो वहाँ जाते थे बाकी जो है घर पे ज्यादातर होते थे बहुत कम कभी निकलते थे तो लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी कि जो है हम पूछते थे जाके कि जी क्या होने वाला है क्या तो वो बता देते थे कि जी ऐसे होने वाला है ऐसे मतलब कि उनकी जो बात थी वो मतलब तकरीबन एक्यूरेट होती थी तो एक कम बंदे में बंदा जो कमरे में बैठा हुआ है और लेकिन उनका ये था कि इंट्रोडक्शन लोगों से जो है बहुत ज़्यादा था कि मतलब ये कि लोग आए जाए इंट्रोडक्शन इतना था कि मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो दिन में तकरीबन आप समझें पीर साहब शाह हरदान शाह तकरीबन आप समझें कि कोई बीस पच्चीस लोग तो नॉर्मल मिलते थे बाकी जो जमायत आती थी फिर उनके लिए बाहर जाते थे क्योंकि उनको वो एक है कि जब उनके जो मुरीदन आते हैं तो मतलब दिन में दो तीन दफा उनको बाहर निकल के उनको मतलब उनसे मिलना पड़ता था और दुआ उनके लिए करनी पड़ती थी तो क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं तो और मुरीद फिर आपको जैसे पता है कि पीठ साहब के जो है खाली सिंध में नहीं सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में भी इवन है अफगानिस्तान में भी बिल्कुल हैं तो फिर वो दूर दूर से जो लोग आते थे तो वो चाहे अगर बीमार भी होते थे तो निकलते थे बाहर लाजमी उनको मतलब अपने आप को दिखाना होता था उनको या मतलब एक उनको दुआ करनी होती थी तो उन उनसे लाजमी अपनी ज्यारत करते उनको ज्यारत बोलते है ना अच्छा। तो बाहर निकलते थे ज्यारत अपनी कराते थे माशाला तो अगर कभी बुखार भी हुआ है तो मतलब ऊपर उनका कमरा था तो कभी ऊपर से भी नहीं उतर उ, खड़े होके उनको मतलब अपना आप दिखा के मतलब ये होता है दुआ कर लेते थे उनके लिए तो वो कर देते थे तो माशाल्लाह मतलब बहुत सीखा भी उनसे और उन्होंने तो एक सिस्टम चलाया उस एक को आप लेके एज चल रहे हैं जी तो वाइस प्रेसिडेंट तो देखें तो एक सियासी वो है आ, उनसे वो तो घर वाली तो अलग बात होती है फिर जो सियासी सियासत भी बंदा सीखता है चीजें सीखता है तो उनसे माशाला बहुत लर्न किया है और आई थिंक आपने जो भी चीज सीखी होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही सीखी होगी दायरे में जी क्योंकि जिस वक्त से जो इंसान एक मुश्किल के वक्त निकल कर बाहर आ रहा होता है तो उसके अंदर प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं तो जो अभी हमारे करंट पीर पघारो बने पीर पघाड़ो एट उनके साथ भी आपकी बहुत क्लोज एसोसिएशन जी वो मामू है मेरे और बिल्कुल जो है बहुत प्यार भी करते हैं और मैं मतलब छोटा था जब से उनके साथ ही मतलब ज्यादा अटैच्ड हूँ तो माशाल्लाह उनके साथ ही ज्यादातर होता हूँ और जो है वो भी माशाल्लाह बहुत मतलब ये कि अच्छे इंसान हैं प्यारे इंसान हैं प्यार करने वाले और बहुत जो है मतलब आप समझें कि मतलब ये के एक फीलिंग्स रखते हैं लोगों के लिए तो उनको माशाल्लाह फिर जो है जब हमारे नाना फौत हुए अल्लाह को प्यारे हुए तो उसके बाद उनको जो है वो गदी नशीन बनाया गया सिबतुल्ल शाह पीर साई पगारा एट अभी ये एट पीर पगारा, पगारा है तो ये जब पीर पगारा बने तो इन बड़ा जो है इनने भी मतलब ये कि जो है अपनी जमायत के लिए अपने लोगों के लिए बड़ा जो है इनने, मतलब ये काम कर रहे हैं और जैसे इनने जो है वो उनको इनकी ताज हुई इन जब पीर पगारा बने तो उनने उसी जो, है, जो, जो काम ऐसे थे जो जैसे वहाँ पर दरगाह में लोग आते हैं और जो है पीर जो गोठ जो पीसें का गाँव है तो वहाँ पे जो लोग आते हैं दूर दूर से तो उनके लिए जो औरतों के लिए जो है पूरे जगहें बना बनानी जाती है क्योंकि लाखों में लोग आते हैं बिल्कुल सही तो बात तो वो ईद पे जो है दो हर साल जो है ईद पे मतलब दो दफ़ा तीन दफ़ा लोग आते हैं दो ईदों पर और शब बारात पर भी लोग आते हैं अच्छा, तो फिर जो है वो वहाँ पर उनसे स्पीच भी करते हैं ज्यारत भी अपनी कराते हैं तो जो है वो वहाँ पर जो है जो बेसिकली जो है वहाँ पे मुसाफिर खाने बने हुए हैं और जो लंगर खिलाया जाता है दरगाह पे तो वो सारी चीज़ें मदरसा है वहाँ पे जो ताल, इस्लामी तालीम जो एजुकेशन दी जाती ताली. है लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो ये तो बड़ों की बनी हुई है लेकिन जो पीठ साहब मौजूद हैं इनमें भी बड़ा मतलब उस पर मतलब एक वर्क कर रहे हैं और बड़ा जो है काम कर रहे हैं इस पर और जो है बहुत खर्चा भी कर रहे हैं तो पीर मिनिस्टर भी रह चुके हैं के और तक चार से पांच दफा जो है अलेक्ट हुए एम पी ए और उन्हें जो है मतलब पीर साहब शाह मरदान शाह के बड़े बेटे थे बिल्कुल तो उनको बड़े प्यारे भी थे और जो है एक अच्छी वजारत चलाई जिसमें एरीगेशन भी थी रेवेन्यू भी थी अलग अलग महकमे उनके पास थे इवन एक वक्त आया तो पीठ साहब को जो है कहा गया शाह मर्दान शाह पीठ साहब वगैरह को कहा गया कि ये आपका बेटा है इसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो इस तरह का वक्त भी आया तो मतलब है, माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छा लोगों को सर्व किया है उनके ज़माने में इनके ज़माने में जब मिनिस्टर थे तो ऐसी ऐसी जगहों पे जो है इलेक्ट्रिसिटी दी है ऐसी ऐसी जगहों पे इन्हें रोड पहुँचाए ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने जो है पानी के कैनाल्स होते हैं तो वो है। दिए जहाँ पे गरीबों तक को पहुँच नहीं सकता था। 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 तो इन्हें मतलब बड़ी सर्विंग की बड़े लोग को जो है वो ये नहीं कि खाली जी मुरीद या जो है नौकरियाँ लोगों को बहुत उस जमाने में दी हैं तो ये सबको मतलब पार्टी के लोग और भी आम आदमी को आया तो उसकी हेल्प की उसको जो है बड़ा जी मतलब एक होता है कि उनको जो है Uh, मतलब हर तरह से ओबलाइज किया तो इस वक्त से बात साहब जो है क्योंकि जो करंट सूरत हाल है उसमें तो मैं समझती हूँ भरपूर तरीके से आर्म फोर्स के लिए तैयार खड़े हुए हैं और तमाम लोगों के लिए एक उनकी बड़ा जो हमेशा अपनी स्पीच में जब वो मुर्देन से स्पीच करते हैं उनको जो इस्लामी लेसन देते हैं जब उनको बताते हैं कि जी आपको क्या करना है नमाज पढ़ना है जो जो मेन फरैज़ होते हैं इस्लाम के तो बता, बताते हैं और उनको इस्लामिक चीज़ें बताते हैं जब वो गाँव होते हैं और जो तकरीर करते हैं उनसे तो उनको हमेशा हर स्पीच में पाकिस्तान आर्मी के लिए कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ रहने सपोर्ट करिए और ये पाकिस्तान हमारा है, हमें इस पाकिस्तान को बचाना है तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं आर्मी की मदद की बात करते हैं तो हमेशा वो जो पॉजिटिव रहते हैं इन चीज़ों के लिए और हमेशा उनको जो ये मतलब है मतलब यही सोच जो है वो बड़ी बेहतरीन सोच है और तमाम लोग जो आज शो देख भी रहे होते इतनी चीजें चल रही होती मगर अंदरूनी चीज किसी को जी, पता बताए तो की जी exactly. हर सियासतदान के लिए होते हैं हर बड़ी फैमिली के लिए होते हैं जी वो ऐसे हो गया ये किसी को नहीं मालूम की इस वक्त मदद करने के लिए कौन खड़ा होगा जी बिल्कुल अभी भी पीर साहब ने बताऊ आपको जी जैसे ये हालात खराब हुए तो पीर साहब ने बिल्कुल सबको अलर्ट कर दिया अपने जो लोग हैं जो होर फोर्स है उन सबको बोला की जी आप जो अलर्ट रहे और जहां जहां हैं जैसे आपको कॉल आती है तो आप लोग अपने आप को पहुंचाएं जहां पहुंचना पड़ता है जो हेड क्वार्टर्स होते हैं जो कैंट्स होते हैं वहां वहां पे ताकि वहां से फिर जो है उनको आगे भेज सके सो so, अभी जो हमारी नई यूथ है और जनरेशन है उन लोगों को तो बहुत सारे लोगों को इतनी हिस्ट्री आप लोगों की पता भी नहीं है जी लोगों को तो कुछ नहीं पता ना लोग मैं हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली घूम हो चुकी है में ये तो फर्ज हिस्ट्री में तो है नाम लेकिन लेकिन प्रॉपरली देखें वो हाँ, प्रॉपरली दिया भी नहीं गया मतलब जी डिटेल्स आप दें कि जी किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया exactly. अभी यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जी सियासतदान है तो जी करप्ट है yes, exactly. अभी ऐसी बात नहीं है exactly. ऐसे लोग भी हैं जो जिनने अभी हमारे पे अल्लाह का शुक्र है शामदान शाह पीसा पगारा वो एक सियासतदान बहुत बड़े सियासतदान और लोगों को जो है उनने जो है मतलब एक अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो है उन्होंने रिकमेंड किया और बनवाया लेकिन कोई करप्शन चार्जेस उन उनपे नहीं है तो मौजूदा पिट्स भी इस तरह की तो करप्शन नहीं किया नहीं, कोई नुकसान नुकसा, को नहीं पहुंचाया हमेशा मुल्क के मुफाद में बात की तो लोगों के कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है, कि जी, नहीं। ये जी, है एक पीरी फकीरी मुरीदी जो होता है ना अलग एक होता है प्रोग्राम देख रहे हैं और खास करके वो पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं ना उनको लोगों के बारे में मालूम है वो सिर्फ टीवी के अंदर वही चीज को ग्रैप कर रहे होते हैं जो चीज़ उनको आ, समझ में नहीं आ रही होती अगर अब वो पुरानी हिस्ट्री पर जाएं कि नहीं हमारे मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारी आजादी पे हमारा साथ दिया और आज तक हमारे लिए खड़े हैं दिस इज ब्लेसिंग आई ब्लेंग हमारा तो ये जज्बा है खुदा खुदाना खास्ता खुदास्ता पाकिस्तान में बुरा वक्त आता है या जो है कोई जंग छिड़ती है तो हम खुद जाने के लिए तैयार मैं आपको बताऊँ पीर साई शाह मरदान शाह पीर पगारा सेवन से, जो थे उन जो हमारे नाना थे जो खुद बॉर्डर पे गए और जो है जो होर फोर्स को जो है लीड करे थे और उनको बताए थे और जो है रन ऑफ कच के बहुत एरिया जो है वो जो है हुर फोर्स ने जो जाके कवर किया इंडिया में घुसे और जो जाके, वो कब्जा किया इंडिया तो इस तरह मतलब है कि जो उन्होंने एक सिलसिला चलाया और खुद जो है उनका जज्बा देखें कि मतलब खुद वहाँ पे थे तो हम भी ये कहते हैं कि हमें भी अल्लाह ताला मौका दे कि जो है ऐसा तो होगा तो हम खुद भी जाएंगे हम खुद जाके जो है वहाँ पे बॉर्डर पे जाके खड़े होंगे और जो है जो हमारी फोर्स है पीस साहब की उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम आते हैं थोड़ा सा आपके ऊपर हमने आपके सारे खानदान की हिस्ट्री सब जानी अब मुझे एक बात बताएं कि आप किस से, आपका विलेज कहां पर है? अभी देख मैं तो सियासी हवाले से तो मेरा इरादा है अभी तो मैं लास्ट इलेक्शन नहीं लड़ा था प्रोग्राम हैदराबाद में तो पी एस फिफ्टी तो उसमें मेरा इरादा है मेहनत रहा हूँ कोशिश रहा हूँ वहाँ पे और आ, हफ्ते में दो दफा जो है मैं वहाँ होता हूँ और वहाँ लोगों से भी मिलता हूँ और जो है वो जो कॉन्स्टिटुंसी है उसमें जो घूमता फिरता भी हूँ ताकि जो है लोगों से इंटरेक्शन भी रहे किसी की गमी किसी की खुशी उसमें भी कोशिश करता हूँ चाहूँ तो अगर मैंने ये समझा कि मैं इस काबिल हूँ और मुझे जो है लोग इतने पसंद करें और जो इतने वोट मिले तो मैं जाके वहाँ से खड़ा हूँ बाकी आ, ये कि कराची में ज्यादा दर वक्त गुजरता है आ, कराची में ज्यादा रहना पड़ता है आ, पूरा वीक कराची में गुजारता हूँ जैसे कि कराची की भी जिम्मेवारी है मेरे पास तो कराची का मैं जो है तंजीमी कमेटी का चेयरमैन भी हूँ तो कराची में भी हमने बड़ी मेहनत की है ऑल ओवर सिंह तो अभी नायब सदर भी हूँ तो लाजमी जो ऑल ओवर सिंह भी लोग आते हैं मिलते हैं तो कुछ लोगों से हैदराबाद में मुलाकात हो जाती है कुछ लोगों से यहाँ मुलाकात तो हो लोग जाती है तो आप उनकी प्रॉब्लम्स या परेशानी हल कर रहे होते हैं या विद इन द कराची बेस के अंदर जैसे कुछ सूरत हाल है उनके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं देखिए हम हर जगह कोशिश करते हैं ऐसे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन के लोग हैं प्रेजिडेंट हैं लेकिन मैं ज्यादातर यहाँ पे होता हूँ तो कोशिश यही करते हैं लोगों की जो मदद करते होती है करते हैं कराची के ऐसे लोग हैं जो फंक्शन लीग में नहीं थे हमारी पार्टी में थे उनको मैं लेके आया और ये चार पाँच सालों में मैंने आप समझे मेहनत की कोशिश की है बहुत लोगों को फंक्शन लीग में मैं लेके आया हूँ और भी हमारे हैं पार्टी में लोग जो जो लोगों को ज्वाइन उन्होंने कराया है और हम कोशिश करें इन शेक्सट इलेक्शन की भी तैयारी हम करें और जी ये होता है कि लाजमी किसी के मसले मसाइल आप हल करेंगे तो लोग फिर खुश भी होंगे बिल्कुल सही बात तो लगे हुए मेहनत भी करें कोशिश भी करें लोगों को लेके भी आ रहे हैं लोगों की गमी में भी जाते हैं लोगों की खुशी में भी जाते हैं और लोगों को लेके चलना पड़ता है तो लोगों को लेके चल चल रहे हैं तो मुझे और... बाबत है जहाँ जहाँ पे इलेक्शन की बात आती है काम करने की बात आती है तो ताला जिस तरह से आपका माशाल्लाह से बैकग्राउंड है और जिस तरह से आप लोगों की समझे के मुरीद हैं और जिस तरह के आप खुद तबीयत के मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि इनशाला फ्यूचर में आने वाले वक्त में आप मिनिस्टर ही बनेंगे नसीब की बात है देखें जो नसीब में होता है वो इनशाला आमिर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा तो आप मुझे एक और बात बताएं कि जिस चीज़ से आजकल के हमारे नौजवान नस्ल थोड़ा दूर है और जो मैंने आप में देखी वो है इबादत की जी, तो आप अपने लोगों को आपके खानदान से ही वो चीज चल रही है एंड वन थिंग अबाउट द पर्सन कि वो काम भी कर रहा है मगर इबादत को भी साथ लेके चल रहा है तो ये हमारी जनरेशन से थोड़ी कम हो गई है इस थिंग टेल द बेनिफिट ऑफ बी क्लोज टू अल्लाह सुबहान तुझे हमें बताए गए कि जी आपको नमाज पढ़नी है रोजे रखने हज जक़ात जो मेन बेसिक है वो तो देखें हर मुसलमान का फर्ज है और हर आ, माँ बाप अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं बिल्कुल आम। जो नहीं देते वो उनका नुकसान है तो ये चीज़ें तो है वो बहुत आम हो गया नहीं देना का जी और अभी तो आ, आ, हमारे माशरे में और ऐसी चीजें आती जा रही जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा बिल्कुल क्योंकि अगर आप देखें तो आज हालात बड़े चेंज हो गए तो ये हमने खुद किए हैं वक्त तो चेंज नहीं हुआ हालात हमने खुद चेंज किए हैं तो ये हमारे जो है वालदेन हमारे जो ऐसे हैं जो अब नई जनरेशन है उसको अच्छे रस्ते पे ले जाएंगे अच्छे रस्ते पे ले जाए मोबाइल फोन तो है चलने जब भी जरूरत हो गई है आपकी लेकिन ये कि जो है अगर अच्छे रस्ते में आप उनको ले जाएंगे तो आपका ही फायदा है आ, और जो है वो एक दिमाग इस तरह का हो उनका हो जी इस्लाम नमाज ये सारी चीजें जो ये तो जरूरी है मगर ये सब चीजें साथ लेके चली भी जा सकती है बिल्कुल 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 यही जो चीजें ना जो लैग कर रही है और एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर एक कॉस्मोपोलिटन सिटी के अंदर रहना और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके लेकर चलना ये चीजें अगर डिमिनिश होना शुरू हो जाए तो मैं समझती हूँ हमारी यूथ एंड जनरेशन एक बहुत पावरफुल यकजहदी के साथ काम करेगी आगे चल के क्योंकि ये सब आपकी आगे के लिए जरूरत है जी बिल्कुल बिल्कुल ये तो सा, सारा जो आप बता रही हैं तो बिल्कुल आगे पुराने लोग तो चले गए अब आने वाली जनरेशन जो देख रही है जो जलसे जुलूस और चीजें देख रही है वहां से बहुत कुछ सीख रही है और नेगेटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वर्स्ट पार्ट ऑफ आई डोंट लाइक इसके जलसे जुलूस किए जाए मगर किसी पे ब्लेम्स और बुराईया नहीं की जाए बस ये है तनकीद की सियासत अच्छी नहीं होती और लाजमी हर बंदा अपने हिसाब से चलता है तो लोगों को ये देखना चाहिए और हमारे पास तो आपको पता है सियासत अभी गंदी हो गई है बिल्कुल और जो है इस तरह की हो गई है एक तो करप्शन बहुत बड़ी जो है आप समझे हमारे माशरे में एक हो गई है जो करप्शन लोग आजकल कर जो है वो उसको फ़ख्र महसूस करते हैं करप्शन को तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए इस्लाम की तरफ भी कुछ बातें होनी चाहिए कुछ इस्लाम की जो हमें चीज़ें करनी चाहिए और पहले देखें ये आ, मैं अगर किसी को बोलूंगी जी आप ऐसे करें वैसे करें उससे पहले मुझे अपने देखना है कि मैं अपने आप आप को को देखना कि मैं करेक्ट करूंगा तो मैं किसी को तो बोल सकती अगर मैं रॉन्ग तो मैं किसी को करेक्ट नहीं कर सकता वो कहेगा जी आप तो आप तो करो मुझे क्या करेक्ट नहीं मैं ये कहती हूँ कुछ चीजें जो है ना वो अंदरूनी घर से भी निकलती है मगर समझाना जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं या मिलते हैं तो वो सोचते होंगे मॉडर्न एंड ऑल देस्ट है बट अंदरूनी तौर से जब हम उन्हें समझा रहे थे ना दीज आर दी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू फॉलो देम अगर उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपकी सब चीजें होंगी यहाँ पे एक ही चीज़ बनी हुई फलानी चीज से ऐसे हो जाएगा उससे ऐसा होगा वसीला बनाने वाला तो अल्लाह अल्ला ही है अल्ला तो यही सब चीजें तो तो मुझे बताएं कि आपकी लाइक्स क्या तो ये है कि you know, जी ऐसे मुझे हॉबीज में है हंटिंग का शौक है हालांकि जब कभी जो है वो होते हैं लोग कहते हैं जी जुल्म है लेकिन वह तो शिकार मतलब आप इतना करें हंटिंग इतनी करेंगे जुल्म ना करें खाने के लिए एक सुनत भी है कि अगर आप कोई चीज़ परिंदा मारते हैं तो जो खा सकते हैं उसको बिल्कुल सही बात है। तो हलाल चीज़ जो है उसको आप जो है मार सकते हैं और खा सकते हैं उसको तो वो भी एक ये नहीं की जी कोई आप जो स्कोरस बना रहे हैं गलत है वो शौक के हद तक है जी खाने पीने के हद तक आप कर सकते हैं तो एक वो है गाड़ियों का भी शौक़ है मुझे और जो है लाजमी अच्छे कपड़ों का वॉच और ये चीज़ें तो होती हैं जो अगर बंदा अफोर्ड कर सके तो ले, ले, ले लेता है तो इस तरह का है जो है बाकी स्पोर्ट्स में ये कि स्विमिंग का मुझे है कभी कभी कर लेता हूँ मौका मिलता है तो और, आपकी नहीं, आप बुलाया। और मैं ये चाहूंगी कि आप आज अपनी तरफ से देखने वालों को और अपने लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे मैं बिल्कुल जी जो हमारी आवाम है जो पाकिस्तान की हमारे दोस्त हैं भाई बहन है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त जो है वो ऐसा वक्त है कि जो हमें सबको एक होना पड़ेगा हमें जो है वो आज पाकिस्तान एक बड़े खतरना, खतरनाक तो वक्त से गुजर रहा है तो हमें जो है सबको एक होकर जो है पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी का साथ देना होगा और जो है हम ये कहेंगे कि जी हमें यह करना पड़ेगा कि आगे के लिए मैं दोस्तों को कहूँगा भाइयों को कहूँगा कि जी अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं टू में तो उनको जो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके आगे लाना चाहिए एवानों में ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो उनके मुल्क की खिदमत करें जो फ्यूचर देखें हमारे जो आगे बच्चे आएंगे उनका फ्यूचर देखें ये ना कि जी आ, वो जो है लूट मार करके मुल्क से दौलत निकाल के भाग जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है आप पे है हमारी आवाम पे है उनको मैं ये मैसेज भी दे रहा हूं अपने तवसु से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन की तरफ से कि जी आप ऐसे लोगों को वोट दें ऐसे लोगों को एहवानों में आगे लेके आए कि जो आपकी खिदमत करें ऐसे लोगों को नहीं जिनसे आपका जो है तल्ख तजुर्बा रह चुका हो और दोबारा दोबारा आप उनको लेके आए तो ये सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो है ये मुल्क और ये कौम हम एक होंगे तो जाके हम इस मुल्क को बचा सकेंगे और जो है इस मुल्क में हम कुछ कर सकेंगे बाकी अगर हम तितर बितर रहे एक दूसरे की जो है टांगे खींचते रहे तो फिर जो है कुछ भी नहीं होगा तो लिहाजा यही मेरा मैसेज है सब दोस्तों भाइयों के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच अगेन उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आज तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्होंने जाना होगा कि किस तरीके से पगारो फैमिली ने सेक्रीफाइस की है और वी शुड ऑलवेज भी थैंकफुल और खास करके तमाम यंग जनरेशन जो हमारा प्रोग्राम देख रही होती है यू मस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री एज वेल एंड रिस्पेक्ट टिल देन डॉक्टर अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ खुदा हाफिज